अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर भारत की इंसानी हमदर्दी के तहत मदद करके रोशन मिसाल कायम कर दी। 295 भारतीय मुसाफिरों की जान बचा ली गई। 10 घंटे से ज़ायद फंसे भारतीय मुसाफिर दोहा रवाना। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि दिल्ली से दोहा जाने वाली कतर एयरवेज की परवाज की कराची में हंगामी लैंडिंग। कतर एयरवेज की परवाज QR579 पाकिस्तान की फिजाई हदूद में बलूचिस्तान के करीब थी कि तैयारे के इंजन कार्गो केबिन AORC में धुआं भर जाने के सिग्नल मिले। तैयारा 40,000 फीट की बुलंदी पर था कि अचानक हंगामी सूरतहाल पर पायलट ने कराची ट्रैफिक कंट्रोल को सूरतहाल से आगाह किया और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तैयारे की कराची लैंडिंग की इजाज़त तलब की। इस पर कराची एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल ने तमाम ज़रूरी हंगामी इंतजाम किए। तैयारे में अमले समेत 295 अफराद सवार थे जो महफूज रहे। 10 से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद 295 भारतीय मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज से कतर रवाना कर दिया गया है।